व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो काफी प्यारी आज की ये न्यूज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट डे भी होगा जिसको हम लोग देखेंगे, और वीडियो के एंड में आप लोगों से क्विज पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, कि रिविजन क्विज भी होगा। तो काफी कुछ आज की इस वीडियो के अंदर शानदार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर लेकिन सबसे पहले आज का थॉट, आज का विचार या फिर आज की मोटिवेशनल कोट आप लोग बोल सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो जिनको लगता है कि उनके पीठ पीछे उनकी बुराई की जाती है, तो उससे उनको क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो यार, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग के पीठ पीछे अगर आप लोग की कोई बुराई कर रहा है तो आप लोग कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही लंबा सा मेल लिखा गया। सर, मेरा एक रूममेट है, रूममेट के साथ में मैं रहता हूँ, और वो क्या करता है, पड़ोस वाले रूम के साथ में जो बच्चे रहते हैं, मतलब जो जो पड़ोसी रहते हैं, उनके पास में जाके मेरी बुराई करता है कि ये ऐसा है वैसा है। और जब मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ मत रहे, तो फिर भी बोलता है कि तुम्हारे साथ ही रहना है। तो अगर कोई पीठ पीछे आप लोग की बुराई करता है तो घबराना मत यार, टेंशन मत लेना, क्योंकि बात उसी के बारे में होती है जिसमें कोई बात होती है। उसको कुछ ना कुछ तो तुम्हें अच्छा लगता होगा ना, कुछ ना कुछ उसको लगता होगा कि यार मेरे से अच्छा इसके अंदर, इसलिए वो चिढ़ता है इंसान। और जो इंसान लाइफ में ऐसा करता है, जो चिढ़ता है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। पर लेकिन आप लोगों को ये टेंडेंसी अपनी बनानी पड़ेगी कि जैसे जैसे लाइफ में आप लोग आगे बढ़ते चले जाओगे, आप लोगों को लाइफ में ऐसे लोग बहुत सारे बढ़ते चले जाएंगे जो आप लोगों से चिढ़ेंगे। ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता सकता हूं। देख, तो आप लोग मॉर्निंग में वीडियो आती है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं सुबह 4 बजे उठ के डिसलाइक करते हैं। शर्म करो, तुम 4 बजे वीडियो देखने के लिए भी नहीं उठते हो, लोग डिसलाइक करने के लिए उठ जाते हैं जबकि वीडियो देखी नहीं। जब वीडियो देखी नहीं तो भाई साहब कैसे पता चला अच्छी है कि बुरी है, उसको डिसलाइक करने के लिए 4 बजे उठ गए। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो हर एक इंसान की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, वो तो अच्छे हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो तो कम से कम वो लोग हैं जो खुल के बोलते हैं कि ये इंसान मेरे से बेटर है। तो कभी भी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ के ऊपर हावी नहीं होने देना है, एंजॉय करो और करते रहो अपने तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से एंजॉय करते रहो। अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के अंदर आप लोगों को आंसर मिलेगा, और बिना ऑप्शन के आंसर देना एक बार सीख लिया तो जिंदगी हो गई झिंगा लाला, ठीक है। तो अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिए। इंटरनेशनल मदर जो लैंग्वेज डे है, ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है अब की बार वो बतानी है। थीम वो चीज होती है जिसमें पूरी साल फोकस करना होता है। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं भाई साहब, हाँ अब सही है। अगर बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि इसरो के बारे में, तो इसरो के बारे में ये बात की जा रही है कि इसके द्वारा एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर अभी एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। जिस तरीके से आप लोग ये यूज नहीं करते गूगल मैप वगैरह, तो उसका ऑल्टरनेटिव इसको बोला जा रहा है। इसका नाम क्या है? कई सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं मार्केट में आज के डेट में जिनको हमारी ही कंट्री के ऐप बनाए जा रहे हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है ऐसा देखकर। महाराजा जो यहाँ पर सुलदेव, जो यहाँ पर सुलेदेव, ये इनको बेसिकली इनके बारे में एक न्यूज है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 11th सेंचुरी में कौन से राज्य के अंदर ये राजा थे, ठीक है, जो सरावस्ती बेसिकली एरिया था जिसके रूल करते थे। आप लोगों को उस पर्टिकुलर राज्य का और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर चितूरा झील के बारे में, ठीक है। तो ये जो झील है ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है एक राज्य और डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये लोकेटेड है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर स्मॉल रिवर के बारे में, ठीक है, वो भी इसी के साथ में कनेक्टेड है। तो ये इसी लेक से ओरिजिनेट होती है, तो ये आप लोग को इसका नाम भी बताना है। इस लेक से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वहां काफी लार्ज स्केल पर माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलती है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सिक्योरिटीज अपलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक तरीका कोर्ट होता है जहां पर जल्दी आप लोगों के मैटर का सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिब्यूनल है जिसको सेट बोलते हैं, ये किस एक्ट के अंदर आता है, यानी ये कौन सा ऐसा एक्ट है हमारी कंट्री में जिसके अंदर ये आता है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट, यानी कि लॉ के द्वारा पास करके पार्लियामेंट में बनाई गई है। अगर बात करें जो सेट है, अगर इसका कोई डिसीजन आया, आप लोगों का मैटर मान लीजिए यहाँ पर गया इसके अंदर, और आप लोगों का कोई डिसीजन आया, आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप लोगों को लग रहा है कि गलत डिसीजन है, तो आप लोग कहां पर जाकर अपील कर सकते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में। इसके द्वारा व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव बना जा रहा है हमारी कंट्री में। तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या बोला जा रहा है, जो कि व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव है। जैसे ट्विटर का ऑल्टरनेटिव कू है ना, उसी तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव है हमारी ही कंट्री का।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल इन्फॉर्मेटिक जो सेंटर है यहाँ पर ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है ये बताना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये एक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, हमारे संविधान के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नर है कि हर एक राज्य का एक गवर्नर होना चाहिए, हमारे संविधान में ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट और प्यारे प्यारे क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों को देने। अब इनके कुछ के आंसर आप लोगों को जैसे जैसे हम लोग न्यूज में आगे बढ़ते चले जाएंगे आप लोगों को सारे आंसर इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर सुनना ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से न छूटे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। इंपॉर्टेंट जो डे है यहां पर ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो मदर लैंग्वेज होती है जो आप लोग अपनी नॉर्मल भाषा बोलते हैं। एक टीचर की मुझे याद आ जाती है, यहां पर एक टीचर थे वो हमको पढ़ाया करते थे जब इंजीनियरिंग में, तो इंग्लिश में पढ़ाया करते थे उस टाइम पर, लेकिन उनको हिंदी बोलना काफी अच्छा लगता था, तो जब भी जोक सुनाते थे तो वो हिंदी में जोक सुनाते थे। तो कुछ बच्चे थे क्लास में जो साउथ इंडिया से, उनके द्वारा बोला गया कि सर की जो जोक है वो इंग्लिश में सुनाइए, तो यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि यार अगर मैं इंग्लिश में जोक सुनाऊंगा तो मैं खुद जोक बन जाऊंगा, तो ऐसी बात बोली गई। यानी कि जो जोक वगैरह होती है ऐसी मजाक होती है, ये अपनी ही लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो डे है यहाँ पर ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि प्रिजर्व किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके जितनी भी लैंग्वेज है इस वर्ल्ड के अंदर में, उनको सहज कर रखा जा सके, उनको यूज करें, उनको लोग बोलें, तो उसके बारे में बात की जाती है। थीम क्या है बात की जा रही है, फोस्टरिंग यानी कि बढ़ावा देना, जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है उसको बनाकर रखना, तो फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन द एजुकेशन एंड सोसाइटी। अगर किसी चीज को आप लोगों ने एक बार को एजुकेशन में इंक्लूड कर दिया तो बच्चे उसको पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे तो वो आगे चलकर कभी खत्म नहीं होगी वो लैंग्वेज, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और सोसाइटी में अगर कोई पोर्सन ऐसा है जो उस लैंग्वेज को बोलता है तो वो भी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंक्लूड करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो फोकस है उसमें भी यहां पर इस तरीके से चीजें बोली जाती हैं कि मल्टीलिंग्विज्म एक तरीके से ये एडवांस कर सकता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग इंक्लूड करके नहीं चलते हैं, तो उनको भी हम लोग साथ में लेकर चल पाएंगे। तो जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है हर साल की, उनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा और दो चार बार आप लोग इनको देखिए। एक बार तो मैंने बता दिया आप लोगों, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछूंगा उसमें हो गया, एक बार स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा उसमें हो गया, एक बार फिर आप लोगों का नेक्स्ट डे रिवीजन होगा उसमें हो गया, तीन चार बार तो यार मैं ही बता देता हूं और क्या जान लोगे बच्चे की। अब थोड़ा सा आप लोग भी फोकस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए तो सारी चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों के। आइए लेक्चर जो है वो आगे बढ़ाते हैं हेल्थ के साथ में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने ये बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, अल्कोहल शराब दारू ये पीना सेहत के लिए कितनी खतरनाक है ये बताया जा रहा है हमारी कंट्री में। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, कहां पर है ये, इसका नाम याद रखिएगा, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका के अंदर है। क्या बोला जा रहा है इसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि यार आज की डेट में अगर आप लोग जो एक्सेसिव अगर दारू पीते हैं शराब पीते हैं, एक्सेसिव का मतलब इसका क्या है, एक्सेसिव का मतलब बोलने का कि लगभग 10-10 के करीब ड्रिंक्स यानी कि 10-10 के 10-10 के करीब अगर पैक आप लोग डेली पीते हैं तो आप लोगों की बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंज होंगे। तो आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर दारू पी तो इस तरीके से अंदर जा रही है पेट के अंदर, आप लोगों के हार्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आप लोगों के ब्लड स्ट्रीम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये दिखाया गया है। फिर यहां पर चलकर आप लोगों के ब्रेन पर, आप लोगों के लीवर पर, जो पैनक्रियाज है उसके ऊपर, पूरा जो आप लोगों के ब्लड और जो किडनी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से आप लोगों का इंपैक्ट करता है, बिल्कुल जैसे बॉडी में पानी जाता है ना उसी तरीके से शराब जाएगी, वही लिक्विड है, तो हर एक लेवल पर आप लोगों के इंपैक्ट डालेगा। जिस तरीके से शराब जो जाती है बॉडी के अंदर और वो क्या करती है, शराब जैसे बॉडी के अंदर जाएगी, जैसे पानी जाता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है आप लोगों को, एक तरीके से ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, पर शराब ऐसा नहीं करती है, पर लेकिन चलेगी बिल्कुल ऐसे ही। तो कहां कहां नुकसान पहुंचा सकती है, तो खतरनाक बोला जा रहा है, इररिवर्सिबल नुकसान पहुंचा देती है, यानी कि जिसको आप लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते उस तरीके के भी नुकसान यहां पर ये पहुंचा देती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, जो शराब है उसको अगर पीना भी है तो बहुत ओकेजनली किसी की शादी में पी लिया थोड़ा बहुत उस तरीके से, मैं तो बोलूंगा यार डिस्टेंस बना के रखो ज्यादा अच्छा है, पार्टी वार्टी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर फिर भी अगर लगता है आप लोगों को नहीं काम चलता है तो इसको ओकेजनली रखिए, रेगुलर अगर आप लोग पी रहे हैं तो आप लोग डीएनए तक चेंज कर देता है ये बोला गया है, और डीएनए अगर चेंज हो गया तो फिर कहानी खराब हो जाएगी ये समझ लेना। तो अमेरिकन जो जर्नल ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स है उसके द्वारा भी ये इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई थी कि ऐसी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है, और जो स्टडी है यहां पर, ठीक है, जो स्टडी इसके बारे में की जा रही है ये अभी यहां पर स्टडी की गई 2015 मार्च से लेके अप्रैल 2016 तक, तो यानी कि लगभग मोटे मोटे तौर पर एक साल का डेटा इकट्ठा किया गया और लोगों को जो दारू पी रहे थे या फिर लोगों को और पिलाई गई उनके ऊपर स्टडी करने के लिए, तो बेसिकली पता चल सके कि क्या कंडीशन चल रही है। तो काफी खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलती है।
नॉर्मली आप लोगों के अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आती है आप लोगों के पेरेंट्स की, मम्मी की और पापा की। आप लोगों ने देखा होगा ना, इसके नाक ना इसके पापा पे गई है, अच्छा इसका जो माथा है ना, इसके गाल है ना, ये इसके मम्मी पर गए हैं, इसके बाल ना इसके नाना पर गए हैं। तो आप लोगों ने कई बार ये सुनी होगी। तो ये जीन्स होते हैं हम लोगों के, जो हमारे पूर्वजों के हमारे अंदर आते हैं। तो ये जो जीन्स होते हैं वो जीन्स अपना पैटर्न में काम करते हैं जैसे करते हैं, पर लेकिन जो दारू है अगर आप लोग दबाकर पी रहे हैं तो ये आप लोगों के वो जीन्स है ना जो आप लोगों के पूर्वजों से आ रहे हैं उसके अंदर भी छेड़खानी कर देती है, इतना खतरनाक इंपैक्ट डालती है इंसान के ऊपर। यानी कि आप लोग जो बच्चे होंगे आगे चलकर, वो हो सकता है कि आप लोगों के जैसे ना हो, आप लोगों के जीन्स जो है इतने ज्यादा गड़बड़ा चुके होंगे, दारू भरी होगी उन भाई साहब, तो बच्चे पे भी नशा ही पहुंचेगा। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि इन चीजों से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं अपने एनवायरमेंट के बारे में। तो एनवायरमेंट क्या बोलते हैं यहां पर, एनवायरमेंट ये बोलता है कि मुझे साफ सुथरा रखो यार, बहुत बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो इसके द्वारा क्लीन जो कोल सेंटर है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है इसको समझ लेते हैं। बात यहां पर यह की जा रही है कि एक स्टडी की गई यहां पर, ये जो स्टडी है यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर के द्वारा यहां पर बोला गया, कोयले का जो बर्निंग की जाती है ना, ये एयर पोल्यूशन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और आप लोगों ने देखा एयर पोल्यूशन क्या क्या बीमारी ला सकता है, आप लोगों की स्किन को, आप लोगों की आंखों को, आप लोगों को जो सांस की बीमारी है उनको, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको, जो बुजुर्ग है उनको, बहुत सारी तरीके से बीमारी पहुंचा सकती है। तो यहां पर जो दिल्ली बेस्ड ये थिंक टैंक है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, इसके द्वारा यहां पर डिस्कस किया गया कि रिड्यूस कैसे करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इंडिया के अंदर जो कोल बेस्ड पावर सेक्टर है, यानी कि हम लोग कोयले से जो बिजली बनाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है, इनके द्वारा बोला गया था कि डेडलाइन रखो भाई साहब, इस टाइम तक आप लोगों को कोयला यूज करना बंद कर देना है। जो भी आप लोग कोयला यूज करते हो आज के डेट में, जो भी आप लोग मतलब जो भी आप लोग जैसे कि बिजली बनाते हैं उसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इसी के साथ में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, तो इसी के साथ में पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं इसके अंदर से, तो ये इंसान को बहुत बहुत ज्यादा बीमार बना देते हैं, इवन हस्तपुष्ट इंसान को भी। तो इसको कम करना है, तो कम करने के लिए कई सारी बातें यहां पर बोलेगी। तो सबसे पहले तो ये बात करना है कि ये जो डिले की जा रही है, जो इंप्लीमेंटेशन यहां पर अभी मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई थी कि इनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो और टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे कम कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस दो। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी आप लोग उस तरीके से लेकर चलो ताकि दिक्कतें न देखने को मिले। तीसरा, यहां पर जो बात की जा रही है इंपोर्टेंट है यहां पर कि न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी अगर प्लांट में आप लोग लगाकर चलते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर मुद्रा शासन ये गुजरात के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे कई सारे जो प्लांट है फाइनेंशियली, तो उनको एडवांस टेक्नोलॉजी देकर उनको सपोर्ट करो ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो सके। करंट जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाइए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, किस तरीके से आप लोग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, कार्बन प्राइसिंग स्कीम ला सकते हैं, अगर किसी ने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिवील करी तो उसको देखा जाएगा। इसी के साथ में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की बात की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको CCUS बोला गया है। CCUS के यहां पर ये बात की जा रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको पहले से आप लोग कैप्चर कर लीजिए और फिर आगे चलकर उसको जो यहां पर अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जा सकता है जहां पर भी आप लोग लगे, ठीक है, तो इनहेंस करने के लिए जो ऑयल रिकवरी होती है उसमें इसको यूज करा जाता है कई बार। तो ये अलग अलग तरीके हैं इसके बारे में। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि देखिए नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कुछ आज काम करना था, आप लोगों को लगा यार लेट हो गया है, तो अपने आपको कुछ ऐसा पनिशमेंट दो जिससे आप लोगों के अंदर और इंप्रूवमेंट निकल कर आए कि आज ना यार कल ना आज मैंने ना आधा घंटा लेट उठाऊं सोता हुआ, ठीक है, तो कल से ना मुझे आधा घंटा ज्यादा रनिंग करनी है, ठीक है, तो सेहत आप लोगों की सुधरेगी, पानी पियोगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ज्यादा एक्टिव आप लोग रहोगे। तो इस तरह कोई भी आप लोग काम कर सकते हैं, जो योगा करते हैं घर पे वो योगा ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से पनिशमेंट ऐसा तो जो करने का मन नहीं करता है पर करने से आप लोगों की सेहत अच्छी होती है इस तरीके से, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मॉर्निंग में उठ के आज ना ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन बहुत सारी अंदर चली गई है, एनर्जी सी आ रही है यार। ये आप लोग कंटिन्यूअस अगर रखोगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। और जिसको उठना है अगर उसको लगता है कि वो डेली नहीं उठ पा रहा है, तो डेली जब आप लोगों को लगे उठना था पर नहीं उठ पाए तो वीडियो के नीचे सॉरी लिखा करो, उससे आप लोग जब रेगुलर सॉरी लिखोगे ना तो आप लोगों को फील होने लगेगा यार अब तो शर्म कर लेनी चाहिए, तो आप लोग उठना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो ये पर्सन इन न्यूज जो है यहां पर ये बात की जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पोंडिचेरी कौन है आप लोगों को बताइए, तो ये है किरण बेदी जी, है नहीं थी, अब किरण बेदी जी हट गई हैं, तो उनकी जगह एक नई लेफ्टिनेंट जो गवर्नर यहां पर आ गई हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो इनका नाम भी हम लोग देखेंगे यहां पर, पहले आप लोग पोंडिचेरी देखिए, पोंडिचेरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गए यहां पर, ये हो गए यहां पर येनम, ठीक है, येनम कहां पर है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। नीचे आएंगे तो ये यहां पर पोंडिचेरी, ठीक है, जो पोंडिचेरी हो गए यहां पर, ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट यहां पर आएंगे क्राइकल, ये भी सी का डिस्ट्रिक्ट है, ये भी तमिलनाडु के अंदर है, यहां पर
पर आ गया मेह, ये भी कहां पर, ये है केरला के अंदर। तो तीन राज्यों में पुंडिचेरी के डिस्ट्रिक्ट फैले हुए हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कई बार, तीन राज्यों के अंदर चार डिस्ट्रिक्ट है पुंडिचेरी के, और पुंडिचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां पर होता है, दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर अभी जो हमारी जो किरण बेदी जी थी उनसे, उनको रिप्लेस करकर जो नई बनी है यहां पर, ये है यहां पर इनका नाम, ये है यहां पर तमिलिसाई, तमिलिसाई सुंदराजन, ठीक है। तो ये इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इनको आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं यहां पर, ये नई अभी यहां पर बनी है, ठीक है, बनी नहीं है मतलब ये ऑलरेडी है तेलंगाना की, तो इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम हो गया यहां पर तमिलिसाई सुंदराजन, ठीक है। तो इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया, नॉर्मली जो देना तो चाहिए था तमिलनाडु के उसको, पर लेकिन तेलंगाना के उसको दिया गया है, ना आंध्र प्रदेश को दिया गया, ना केरला को दिया गया, जबकि यहां पर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, चलिए जो भी है। तो गवर्नर ऑफ तेलंगाना को यहां पर जो चार्ज दिया गया है एडिशनल, तो यहां पर पोंडिचेरी का, तो ये अब यहां पर न्यू अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी हमारे संविधान में। जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 153 है, ये याद रखना, आर्टिकल 153 है यहां पर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि हर एक राज्य के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए, पर लेकिन ये भी कहीं नहीं बोलता है कि यहां पर सेम गवर्नर को किसी और का चार्ज नहीं दे सकते, यानी कि आप लोग एक ही गवर्नर को किसी और का भी चार्ज दे सकते हैं, तो इसके बारे में कहीं मना नहीं करता है। तो इसलिए यहां पर ये राज्य इसका यूज करके आर्टिकल का, एक राज्य के ऊपर, एक गवर्नर के ऊपर कई कई राज्यों का भी चार्ज दे देते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल इनका चार्ज जो है वो इनको दे दिया, काफी लंबे समय से रस्साकसी चल रही थी, अब देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सुधरती है आगे चलकर, अब तक तो काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही थी, खासकर जैसे दिल्ली में ऐसे ही कंडीशन यहां पर थी। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में, तो नेशनल न्यूज में क्या बात की जा रही है, नेशनल न्यूज में बात की जा रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारी इसरो जो है वो यहां पर मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया के साथ में पार्टनरशिप में आकर इनके द्वारा काम किया गया, और जो काम किया गया तो इनके द्वारा एक इंडिजिनियस जो जियो स्पेशल पोर्टल है जिसका नाम रखा गया भुवन, ठीक है, जैसे भुवन बाम बीबी की वाइन आप लोगों ने सुना होगा ना, तो उसी के नाम से याद रख लीजिएगा। तो यहां पर ये आप लोगों को मैप बताएगा, ठीक है। तो बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अब यूज किया जाएगा, जैसे आप लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस यूज करते हैं, तो उस तरीके से ये यहां पर काफी अच्छे से काम करने वाला है। तो न्यू गाइडलाइन जो है यहां पर जियो स्पेशल सेक्टर इन इंडिया, तो ये काफी बड़ा यहां पर काम करने वाला है। तो जियो जो यहां पर स्पेशल जो पोर्टल, इसका नाम भुवन रखा गया है, ये एक वेब पोर्टल है जो कि फाइंड करेगा एक्सिस जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, और उसके बेस पर यहां पर फिर सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा, एनालाइज भी कर सकते हैं, एडिटेड कर सकते हैं आप लोग यहां पर वाई इंटरनेट। तो ये माई जो इंडिया डेटाबेस है वो कनेक्ट करेगा इसरो के साथ में, और यहां पर ये हाई एंडेड सैटेलाइट जो आप लोगों को जो एक तरह से कैटलॉग का जो डेटा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सैटेलाइट के थ्रू। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में अब हमारा जीपीएस देखने को मिलेगा, तो गूगल जो मैप है ना आप लोगों का, तो गूगल मैप का ऑल्टरनेटिव बेसिकली इसको बोला जा रहा है। ओके, जो कोलैबोरेट यहां पर किया जा रहा है एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा नेविगेशन जो हमारी कंट्री में जो नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन है जिसको नाविक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, वेब सर्विस और एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो अवेलेबल किया जाएगा मैप माई इंडिया को, तो यहां से आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एपीआई क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर, ये इंटरमीडिएटरी होता है जो कि काम करता है एक दूसरे को एप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आप लोग इसको यूज करते हैं कई बार, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरी के तरीके से यहां पर यूज किया जाता है, तो ये एक तरीके से जो डिफाइन करता है जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू सॉफ्टवेयर एपीआई का यूज करके। ट्रू मैप सर्विस जो है यहां पर, ये एक तरीके से जो ट्रू बॉर्डर है हमारी कंट्री का उसको आइडेंटिफाई करेगा और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पर मैप माई इंडिया जो मैप एप्लीकेशन है यहां पर, ये तो आप लोग जो फॉरन ऐप वगैरह यूज कर सकते हैं, तो उससे आप लोगों को एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कई सारे ऐप हमारी कंट्री में बैन किए गए थे उस टाइम पर चाइना के, तो अपनी ही कंट्री के जो डिजिटल ऐप डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना कू ऐप आ गया ट्विटर का ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से मैप माई इंडिया इसके बारे में बात की जा रही है, तो इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी से रिलेटेड यहां पर अगर बात करिए तो काफी इंपोर्टेंट है यहां पर ये, और हमारी कंट्री में हमारे ही सिस्टम डेवलप किया जा रहा है हमारे ही चीजों के लिए, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। इसरो क्या है हमारी कंट्री में, तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बोलते हैं जिसको आप लोग, विक्रम साराभाई साहब के द्वारा ये 1969 में बनाया गया था, जो डेट काफी इंपोर्टेंट लगती है, 15 अगस्त को बनाया गया था, ये काफी इंपोर्टेंट डेट है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। के सीवन साहब जो है आज के यहां पर इसके डायरेक्टर है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं, तो टोटल मिलाकर 9 लॉन्च यहां पर की गई, स्टार्ट किया गया था इसको 2013 में और 2018 तक यहां पर लास्ट लॉन्च इसकी की गई। तो इसमें सैटेलाइट जो है यहां पर ये बेसिकली हमारी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी आप लोग बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी कंट्री के आसपास वाला रीजन लगभग 1500 किलोमीटर का जो एरिया है ये उसको कवर करता है, ठीक है। फर्दर इसको एक्सटेंड किया जाएगा वो तो तभी देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि आइडिया रखना, ठीक है। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, तो इंटरनेशनल न्यूज क्या निकल कर आ गई, ये टैक्स डिस्प्यूट के बारे में बात की जा रही है। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, तो टैक्स को लेकर लड़ाई होगी। तो टैक्स को लेकर लड़ाई किसके लिए होगी, तो कैरिन जो एनर्जी है इसके द्वारा केस फाइल किया गया है न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है यूएसए के अंदर में हमारी कंट्री के खिलाफ, ठीक है। तो इंडिया के खिलाफ यहां पर ये फाइल क्या किया गया, बेसिकली आर्बिट्रेशन में इनको जीत मिली है कि हमारी कंट्री को पे करने है 1.2 बिलियन। देखिए अगर कोई इंटरनेशनल केस ऐसा चलता है ना और उसमें वहां पर रिजल्ट निकल कर आते हैं, अगर हम लोग उसको पे नहीं करते हैं फिर या फिर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज खराब होती है कि ये कंट्री ना इस तरीके की हरकतें कर रही है। तो वहां पर कोई आगे से इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफी सतर्क हो जाता है कि यार कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसके चलते बात की जाती है। तो यहां पर बात की जा रही है रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसके बारे में। तो न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन, इसको कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रेटर अवार्ड्स, इसके नाम से भी जानते हैं। तो तीनों इसी के नाम है, ठीक है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से मीडिएशन करने वाली जो बात होती है ना, कि सेटल कर देना किसी इंडिपेंडेंट बॉडी या पर्सन की हेल्प से, ताकि ये जो डिसीजन है आप लोग उसको फॉलो कर सके। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो ये काम कर रही है। अगर बात करें थोड़ा सा आगे टैक्स डिस्प्यूट के बारे में, तो जो कन्वेंशन है वो ये बोलता है कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, कि अगर जैसे कि जो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हैंडल हुई थी 1958 में, यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये न्यूयॉर्क में, तो ये 7th जून 1959 की बात की जा रही है। तो इसमें 166 स्टेट यानी कि पार्टी यानी कि कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो इंडिया भी पार्टी था। तो कन्वेंशन यहां पर बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई फॉरेन या फिर नॉन डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर अवार्ड यहां पर प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है, तो उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल कि डिस्क्रिमिनेटरी लग रही है आप लोगों को चीजें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। बाकी जो कन्वेंशन है यहां पर ये नॉर्मली बाइंडिंग होता है कुछ चीजों को छोड़कर, ताकि ढंग से चीजें फॉलो की जा सके, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में अल्टरनेटिव है। अगर मान लीजिए सोचो एक मिनट के लिए मैं ये बोलूं कि मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो अपलोड करूंगा और इसको फिर 8 बजे जो है इसको मैं डिलीट कर दिया करूंगा, आप लोग सोचिए जितने भी ये देख नहीं रहे हैं तो ये मॉर्निंग में उठ के सारे देखने लग जाएंगे, ठीक है। या तो देखना छोड़ देंगे, इनको लगेगा कि नहीं काम चल रहा है, या फिर देखना स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में उठकर। तो कोई ऐसा बाइंडिंग हो गया कि हाँ 4 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगी 4 से लेकर 8 बजे तक, पर लेकिन ऐसा बाइंडिंग नहीं है तो पड़ी हुई है भाई साहब, चाहे 4 दिन बाद में भी देख लो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम आराम से मजे में देखे जा रहे हैं, तो वो चक्कर हो गया। तो आराम आराम से काम चल रहा है फिर, तो इसका मतलब ये कि बाइंडिंग हो तो फिर इंसान जो है वो भाग भाग के काम करने लगता है। जब तक ये लगता है कि चल रहा है मजे में चल रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे है। सब्सक्रिप्शन ले लिया तो स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है कि पड़ा हुआ है 1 साल का पूरा टाइम पीरियड है, जब पास में आने स्टार्ट हो गया कि यार ये तो खत्म होने वाला है, तो और ज्यादा बैठकर मूवी देखना स्टार्ट कर दी, ये कंडीशन देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। जो एक कंपनी है जिसका नाम है यहां पर कैरिन, ये कंपनी कहां पर है, ये कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की ये कंपनी है, ठीक है। सिमोन थॉमसन जो है वो इसके सीईओ हैं। 1981 में इसको बनाया गया था, जो बनाया गया था वो थे यहां पर बिल गैमिल, ठीक है, जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। आज के डेट में जो इसका रिवेन्यू वर्थ बोला जा रहा है वो लगभग 53 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके द्वारा केस जीता गया हमारी कंट्री के खिलाफ। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं राज्य की न्यूज के बारे में, तो कौन से राज्य से जो न्यूज निकल कर आ रही है, तो ये निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एक बार मुहाना आप लोग देख लीजिए, यहां पर उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर उत्तराखंड हो गया, यहां हरियाणा, यहां राजस्थान, इधर हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां हो गया झारखंड और यहां हो गया बिहार, ठीक है। इधर आप लोग देखिएगा तो यहां पर ये टच करता है नेपाल के बॉर्डर को, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, जैसे यहां पर हिमाचल प्रदेश देखिए, क्या उत्तर प्रदेश जो है वो हिमाचल के बॉर्डर को टच करता है या फिर नहीं करता है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा जूम कर करके, ओके। जैसे मैंने बताया तेलंगाना को तो नहीं टच करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट आप लोगों के मैप पर, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते घूमते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर झारखंड के बारे में बात की, तो झारखंड को टच नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश, तो क्या हिमाचल प्रदेश को जो उत्तर प्रदेश है वो टच करता है या फिर नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है, और जवाब देने वाले को मिलेंगे 1 करोड़ का लाइक, ठीक है, जो 1 करोड़ का लाइक मिलेगा आप लोगों, यानी कि आप लोगों को हार्ट शेप मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में लेख, और ये यहां पर ये बेसिकली न्यूज है, और उत्तर प्रदेश में जो ये न्यूज है ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चितोरा झील के बारे में। तो यहां पर चितोरा जो झील है, जो लेक है, अभी क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया यहां पर, महाराजा सुजो सुलदेव थे उनका मेमोरियल यहां पर बनाया गया चितोरा लेक के पास में, कहां पर, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा।
तो जो महाराजा सुलदेव हैं ये काफी इंपोर्टेंट रूलर रह चुके हैं और इनके द्वारा यहाँ पर सारा बस्ती जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच वाला एरिया है ये 11th सेंचुरी में रूल करते थे। और 11th सेंचुरी में आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा मोहम्मद गजनी का, ठीक है। तो ये वही इंसान है जिसने कई बार हमारी कंट्री में आया और कई सारे मंदिरों को तोड़ा और यहाँ पर कई लार्ज स्केल पर इसने यहाँ पर तबाही मचाई। तो यहाँ पर जो ये राजा थे ये इसकी जो सेना है उसके सामने वैसे तो टिक नहीं पाते पर लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर के द्वारा इन्होंने काफी इसको नुकसान पहुंचाया। तो सुलदेव जो थे यहाँ पर इनके द्वारा ये बेसिकली जो डिस्ट्रक्शन पहुंचाता था यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल में भी आप लोगों ने सुना होगा कि महमूद गजनी ने कई बार वहां पर उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मिलकर काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मिलकर काम करते थे और इनके द्वारा जैसे थारू हो गया, ये इसी के साथ में बंजारा हो गया, कई सारी कम्युनिटी को साथ में मिलकर लेकर आए ताकि इनको नुकसान पहुंचाया जा सके और इनको यहाँ पर प्लेंडर करने से लूटने से हमारे देश को रोका जा सके। तो इसके ऊपर काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर जो इनकी आर्मी थी उनके द्वारा डिफीट किया गया एक नाम का आदमी था जिसका नाम था गाजी सलार मसूद, ठीक है, जो नेफ्यू था यहाँ पर महमूद गजनी का। तो उसको इनके द्वारा एक तरीके से हराया भी गया बहराइच के अंदर में। तो राजा जो सुलदेव थे उनका जो एक तरीके से मेंशन किया गया है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर मिरात आई मसूद, ठीक है। तो ये 17th सेंचुरी में जो पर्शियन लैंग्वेज में जो हिस्टोरिकल अकाउंट देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोगों से कोई पूछे कि हिस्ट्री के बारे में पता कहां से चलता है, तो हमारी कंट्री में कोई ट्रेवलर आया उसने जाकर अपने देश में जाकर कोई किताब लिख दी, हमारी कंट्री में जब खुदाई की जाती है तो वहां से कुछ खुदाई में कुछ सामान निकल गए, कहीं शिलालेख आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कहीं आप लोगों को जैसे लेख जैसे आप लोगों को केव देखने को मिलते हैं, जैसे भीमबेटका की जो केव है तो वहां पर कोई ना कोई चीजें मिलती रहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ये सारी हम लोग को अवशेष जो मिलते हैं उनसे हम लोग पता लगाते हैं। तो मिरात ए जो मसूदी है यहाँ पर ये बायोग्राफी है जिसको हराया था जिसका नाम था यहाँ पर सलार मसूद, ठीक है। तो जिसको हराया गया था यहाँ पर इनके द्वारा उसकी बायोग्राफी है जो कि यहाँ पर ये अब्द उर रहमान जो चिश्ती है उसके द्वारा लिखी गई यहाँ पर मुगल एम्परर जो जहांगीर के ड्यूरेशन में, ठीक है, 1605 से ये 1627 के बीच में जो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहा। जो यहाँ पर चितपुरा जो यहाँ पर सॉरी चितारा जो यहाँ पर ये झील है ये लोकेटेड है बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर में और इसमें से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यहाँ पर तीरी नदी, ठीक है। तो तीरी नदी, ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा तीरी नदी। तो ये जो बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है ये यहाँ पर इस लेक के पास में लोकेटेड है जो चितारा झील है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चितौरा जो झील है यहाँ पर देखने को मिलेगी और बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड यानी कि अलग अलग एरिया से यहाँ पर बाहर की जो पक्षी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और हिंदू पिलग्रिमेज साइट भी इसको बोला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक जो पूर्णिमा होता है और जो वसंत जो पंचमी होती है तो उस टाइम पर कई सारी यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली उसकी इंपोर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर वैसे आप लोगों से बात करूं थोड़ी सी महमूद गजनी के बारे में तो इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में बैटल ऑफ वाई हिंद, ठीक है। तो बैटल ऑफ वाई हिंद में यहां पर डिफीट किया गया था अंगद पाला, ठीक है, जो सन ऑफ जयपाला थे। तो काफी बड़ा प्लंडर इनके द्वारा मचाया गया था हमारी कंट्री में। सोमनाथ का टेम्पल इनके द्वारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1025 में, यानी कि 1025वीं जो टाइम ड्यूरेशन था उस टाइम पर। तो काफी खतरनाक ये हमारी कंट्री के लिए माना जा रहा था। इसी के साथ में इसके द्वारा जयपाला जो हिंदुस्तानी किंग थे पेशावर जो आजकल में पाकिस्तान के अंदर में उनको हराया गया। तो कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक पोएट था इनके जो टाइम में पाया जाता था उसका नाम याद रखते हैं फिरदोसी, इसी के कोर्ट में पाया जाता था, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और काफी इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर जो बात की जा रही है। ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये वन ईयर का एक बैन अभी देखने को मिला था जो सेबी के द्वारा लगाया गया था जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक साल का बैन लगाया गया था रिटेल कंपनी के चेयरपर्सन और कई सारे अलग जो उसके प्रमोटर हैं उनके ऊपर, उनको घपला करते हुए पाया गया था। पर लेकिन एक ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं, न्यायाधिकरण आप लोग बोल सकते हैं इसको, जिसका नाम है सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल जिसको सेट के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया है, उसके द्वारा जो सेबी का जो ऑर्डर था उस पर रोक लगा दी है, उसको बोला गया है कि ये ऑर्डर सही नहीं है इसको अभी रोको। तो सेट जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेबी का जो एक्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1992 का उसके प्रोविजन के तहत सेक्शन 15K के तहत यहां पर ये एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी स्टैट्यूट लॉ पास करके बनाई गई थी। सेट के बारे में अगर बात करें तो इसको जो इसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर है और इसी के साथ में टू अदर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है सेट का ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करके, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिजी है कहीं पर तो उनका कोई नॉमिनी होगा उसके साथ में कंसल्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल जो काम करते हैं
सिविल कोड के तरीके से काम करता है। सिविल कोड जैसे सिविल मैटर देखते हैं, जैसे शादी विवाह के मैटर हो गए, टैक्स के मैटर हो गए, ऐसे ठीक है। क्रिमिनल कोड किसी का हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, गोली मार दी, वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो सेट है इसका डिसीजन से अगर आप लोग खुश नहीं है, आप लोगों को लगता है यार ये सही आदमी नहीं है, सही डिसीजन नहीं दिया, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप लोग हाईकोर्ट को बाईपास करके। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। सेबी जो है ये स्टैच्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी 1992 में हमारी कंट्री में, ताकि हमारी कंट्री में जो ये मार्केट है इनको रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में नॉन अगर बात करें यहां पर, ये इनिशियली नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया। अप्रैल 1988 में नॉन स्टैट्यूटरी थी, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया, ताकि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किया जा सके। कैपिटल मार्केट अगर आप लोग देखिए तो एक तरीके से फैसिलिटेट करने वाली बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन होता है हमारी कंट्री में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड वगैरह या फिर बहुत जो डेट वगैरह होते हैं, इक्विटी होती है, वो आप लोग रेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेबी जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोग को मुंबई में देखने को मिलेगा। तो जो स्टोकर्स होते हैं या फिर मर्चेंट बैंकर होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये रजिस्टर रहते हैं इसके अंदर और इनको रेगुलेट किया जाता है। सेबी एक क्वाजी जो लेजिस्लेटिव यानी कि इसके पास में लेजिस्लेटिव की पावर है कुछ, क्वाजी जुडिशियल जुडिशियरी की पावर है इसके पास में कुछ, और क्वाजी एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव का भी काम करती है। तो जुडिशियरी क्या करती है, डिसीजन देने का काम करती है, लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इंप्लीमेंट करने का काम करती है। तो थोड़े थोड़े जो गुण है इसके अंदर वो सबके हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये इट कैन ड्राफ्ट रेगुलेशन, कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी, और इसी के साथ में रूलिंग को भी पेनल्टी वगैरह भी इंपोज कर सकती है। तो इसलिए सारी बातें बोली जा रही है इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आईटी एंड कंप्यूटर्स के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये बात की जा रही है संदेश के बारे में। तो इंडियन जो इन्फॉर्मेटिक सेंटर है जिसको एनआईसी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश, जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप के तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, या फिर व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव भी आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को अभी रिसेंटली देखने को मिला व्हाट्सएप के द्वारा कुछ ऐसी गाइडलाइन लाई गई कि हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको, और कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जिसमें हमारी कंट्री के लोगों का जो डेटा है वो फेसबुक ले सकता है व्हाट्सएप से, क्योंकि फेसबुक पापा है व्हाट्सएप का, तो कुछ भी कर सकता है इसके साथ में। पर लेकिन ये हमारी ही कंट्री में क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, अगर इंप्लीमेंट करना है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में करो। तो लगा कि यार कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी कंट्री में, कुछ और करना पड़ेगा, इनके हिसाब से चलेंगे तो दुनियादारी बिगड़ जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंडर में आता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसके द्वारा संदेश नाम का यह ऐप बनाया गया है। तो ई जो प्रोवाइड करेगा यहाँ पर बैकबोन एक तरीके से ई गवर्नेंस सपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के जो भी हमारे ऑफिशियल हैं उनके पास में ये सबको आप लोगों को देखने को मिलेगा। संदेश ऐप जो है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम बोला जा रहा है इसको, GIMS। तो इससे क्या रहेगा, जो ऑफिशियल है वो सीक्रेट एक तरीके से यहाँ पर अपनी जो भी जो डिस्कस है वो कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेशनल प्लेयर की हेल्प से, ठीक है। यूज कर सकते हैं आप इसमें मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर करने के लिए, और इसके साथ में यहाँ पर जो फीचर है इसमें ग्रुप मेकिंग का भी, इसी के साथ में पर ब्रॉडकास्ट करने का, मैसेजिंग फॉरवर्ड करने का, इमोजी वाले, तो सारे मजे आप लोग ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप को तोड़कर दिखाया जा रहा है यहां पर कि व्हाट्सएप को तोड़कर निकला है, यानी कि हमारी कंट्री में एक ऐसा ऐप बनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ में इसमें बोला जा रहा है कि नो ऑप्शन टू ट्रांसफर द चैट हिस्ट्री, आप लोग चैट हिस्ट्री को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग जो सिस्टम यानी कि संदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग बैकअप ले सकते हैं अपनी ईमेल के ऊपर। कंप्यूटर इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स टीम है जिसको CERT इन या इंडिया वाली टीम आप लोग बोलते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ में मिलकर इसके द्वारा काफी पहले ये बात बताई गई थी कि जब COVID-19 चला तो बहुत सारी जूम पे मीटिंग ली गई ऑफिशियल के द्वारा, तो बोला गया जूम जो है वो सिक्योर नहीं है, चाइना के थ्रू होता हुआ आता है, ठीक है। तो सेफ्टी का प्राइवेसी के कंसर्न यहां पर देखने को मिले, तो उस टाइम पर बोला गया कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो इंडिया में ही बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं, इंडिया में ही बनाए गए जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज होने चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या डिस्कस कर रही है, किस तरीके से बातें कर रही है, तो उसको कोई ना कोई यहां पर पढ़ सकता है, उसको कोई ना कोई जान सकता है, अगर कोई ऐसा जैसे व्हाट्सएप जैसी चीजें हम लोग यूज करेंगे, ट्विटर जैसी चीजें, तो दिक्कत हो सकता है। तो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंट्री में अगर रखनी है तो हमारी ही कंट्री का कोई ना कोई ऐप होना चाहिए जो यहां पर अपनी ही कंट्री का डेटा अपनी कंट्री में रहे और बाहर के लोगों के पास में ना जाए, तो उसका ये एक ऑल्टरनेटिव आप लोग बोल सकते हैं। तो संदेश जो हो गया ये ऑल्टरनेटिव हो गया किसका, व्हाट्सएप का। बनाया किसके द्वारा गया, क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा ये बनाया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉड, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक स्पोर्ट के बारे में, और ये स्पोर्ट जो देखने को मिल रहा है तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। विंटर क्लाइंबिंग, पर्वतारोही का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो विंटर क्लाइंबिंग होती है ये सबसे खतरनाक मानी जाती है, इसीलिए इसको सबसे प्योर फॉर्म ऑफ जो एक्सपेडिशन बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे जो चढ़ते हैं इस तरीके से जाकर। तो अभी K2 जो पीक है, K2 यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट के बाद में सबसे ऊंचा जो पीक है वर्ल्ड में ये है K2। तो K2 पर अभी यहां पर तीन जो लोग थे वो डिसअपीयर हो गए, इंटरनेशनल माउंटेरियन जो यहां पर इसमें गए थे तो वो अभी डिसअपीयर हो गए, यानी कि उनके बारे में पता नहीं है वो कहां चले गए। एल्पाइन जो स्टाइल माउंटेनियरिंग जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेक इसके अंदर ले जाते हैं, बिना कोई असिस्टेंस के आप लोगों को चढ़ना होता है, तो इसलिए इसको सबसे प्योर फॉर्म ऑफ जो ये बोला जाता है चढ़ने वाला। तो कोई भी आप लोगों की कोई प्रैक्टिस वगैरह इसका जो अभ्यास होता है तो कुछ का कोई स्कोप नहीं रहता है यहाँ पर। तो आप लोग जिस तरीके से कई बार आप लोग देखा होगा कि आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस करके चले, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है इसके अंदर। तो क्लाइंबर को जाना होता है और वन गो में चढ़ना होता है, तो इसलिए यहां पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहती है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है प्योर फॉर्म ऑफ माउंटेनियरिंग बोला जाता है इसको, एल्पाइन जो सिस्टम है। वैसे प्री मानसून, पोस्ट मानसून, समर क्लाइंबिंग और ये विंटर क्लाइंबिंग जो होती है ये सबसे खतरनाक यहां पर मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम टाइम यहां पर लगता है, रूट जो है उसको आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करना होता है, तो इसकी वजह से यहां पर जो अभी लोगों की जान गई। तो ये K2 क्या है, कहां पर लोकेटेड है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर साइंस, या फिर आप लोग इसको जो अंडर वाटर जो न्यूज बोल सकते हो, ये वाटर से रिलेटेड यहां पर न्यूज है। बात की जा रही है सिलिकेंट के बारे में, ये सिलिकेंट के बारे में भी पता लगाया गया है। यहाँ पर पैलियंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि जो जीवाश्म वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा इस मछली का पता लगाया गया है। तो ये जो मछली है जिसका नाम है सिलिकेंट, ये जो फिश है ये काफी एक तरीके से बड़ी फिश है और जो बिल्कुल काफी नीचे जाकर पानी के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये लिविंग फॉसिल फ्यूल है, इसको डिस्कवर अभी किया गया, बोला जा रहा है कि 66 मिलियन ईयर एगो यहां पर ये ओल्ड जो फिश है यहां पर ये एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई थी जिस टाइम पर डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि डायनासोर के टाइम पर यहां पर ये एक्सटिंक्ट हो गई थी ये जो फिश जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लगभग 2300 फीट गहराई तक चली जाती है यहां पर, जो सी के बारे में अगर बात करते हैं। तो इसके चलते यहां पर जो डिस्कवर किया गया था 1938 में, तो इसके ऊपर डिबेट हो गया था, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलेगा। और जो सुलावेसी जो बेसिकली सिलिकेंट है जो कि इंडोनेशिया के एरिया में पाया जाता है, इसके चलते यहां पर इसको वनरेबल की लिस्ट में रखा गया है। और CITES स्टेटस इसका अपेंडिक्स फर्स्ट की बात की जाती है, जिसको कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। एक मैंने आप लोगों से भी बात करी सिलिकेंट, यहां पर एक कोमरोज आइलैंड में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर एरिया में अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में सुलावेसी जो इंडोनेशिया के अंदर आइलैंड है, यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये काफी पुराना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पाया जाता है, जिसके बारे में याद रखते हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज के डेट में। इसी के साथ में न्यू स्टडी इनके ऊपर देखने को मिलती है, जिसमें कई बार तो ये बताते हैं कि यहां पर अगर बात की जाए इनके बारे में कि ये एक्चुअली इवोल्व कर रहे हैं। कई बार ये कहते हैं कि वो इवोल्व नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन काफी स्लोली इवोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी भी बातें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में, जो साइंटिस्ट के अलग अलग प्रक्रिया है उसके बारे में, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन जो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, ताकि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख सकें। इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने बात की यहां पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने टैक्स डिस्प्यूट के बारे में जाना, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी समझ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में हम लोगों ने भुवन, जो एक हमारी कंट्री में जो आप लोगों को लोकेशन बताने वाला ऐप होगा, उसके बारे में चीजें समझी कई सारी। इसी के साथ में स्टेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जिसका नाम था चित्तौरा, ठीक है, चित्तौरा लेक के बारे में जाना, एक राजा के बारे में जाना, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने समझी। इकोनॉमी के बारे में जो बैन लगाया गया था यहाँ पर सेट के द्वारा, सेबी के द्वारा हटा दिया गया, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। साइंस एंड टेक में यहाँ पर हम लोगों ने एक मछली के बारे में कुछ बातें जानी, जो कि इंपॉर्टेंट है। IT और कंप्यूटर के अंदर हम लोग संदेश ऐप, जो कि व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा ये बनाया गया, तो वो सारी बातें देखी संदेश के बारे में। हेल्थ के बारे में अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है, वो हम लोगों ने समझा, और क्या क्या चीजें हैं वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की, वो क्या बता रही है कोयले को लेकर, इसको छोड़ दो वरना दिक्कत हो जाएगी, सारी चीजें जानी। स्पोर्ट के बारे में जो विंटर क्लाइंबिंग है उसमें गायब हो गए लोग, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट यहां पर पुडुचेरी उसके गवर्नर के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो काफी अच्छे से सीरियस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की, तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस।
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो डे है इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा यहां पर किसके साथ मिलकर काम किया गया, जो लोकेशन बताने वाला जो ऐप है उसका नाम आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सारावस्ती, ये जो यहां पर सुलह देव थे सारावस्ती वाले राजा किस राज्य से रिलेटेड थे। यहां पर जो चित्तौरा झील है ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कौन सी छोटी सी रिवर है जो पे माइग्रेटरी बर्ड पाई जाती है। सेट यानी कि सिक्योरिटी अपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात की है तो किसके अंदर इसको बनाया गया था, इसी के साथ में यहां पर बताना है सेट का डिसीजन किस में जाकर आप लोग यहां पर उसको अपील कर सकते हैं डिसीजन के खिलाफ। एनआईसी के द्वारा व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव क्या बनाया गया है ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कई बार। एनआईसी किसके अंडर में है ये बताना है। कौन सा आर्टिकल यहां पर बात करता है कि राज्य के अंदर गवर्नर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। आइए अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं लास्ट वाले लेक्चर का, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें याद होगी और इसका स्कोर आप लोग जरूर लिखा कीजिए। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आपको भी स्कोर दिया करेंगे डेली, यानी कि आपका लेक्चर कैसा लगा तो आप बताइए कितने में से मार्क्स देने। ठीक है चलिए मुझे भी आप लोग स्कोर दे सकते हैं डेली, 10 में से मुझको मार्क्स दिया करना आप लोग। ठीक है लेक्चर कैसा लगा 10 में से मार्क्स देना, और जो भी मार्क्स काटोगे आप लोग मान लीजिए 10 में से 5 मार्क्स देने, ठीक है 5 दे दिया आप लोगों ने तो 5 किस लिए काटे वो एक्सप्लेन भी आप लोगों को करना है, तो इनडायरेक्ट वे में फीडबैक हो गया ये। ठीक है तो मुझे भी आप लोग मार्क्स दे सकते हैं। और एक बच्चे के द्वारा बोला सर ये रोल नंबर कैसे लिखते हैं, तो जिस नंबर पर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं वो आप लोगों का रोल नंबर हो जाता है। ठीक है तो ये घटाना है आप लोगों को, जितना नीचे लाओगे उतना अच्छा है, तो उसको आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं फनी फनी जो अच्छे लगते हैं मुझे, मैंने कहा देखो क्या क्या थॉट आते हैं विचार आते हैं दिमाग में, तो विचार आते हैं तो उनको इंप्लीमेंट करो जो भी आते हैं। ठीक है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बात करते थे, इसकी थीम बतानी है। यहां पर बात की थी 6 एलिफेंट अभी मारे गए एक बीमारी की वजह से, इस बीमारी का नाम बताना है जो हम लोगों ने कालापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला के अंदर उड़ीसा के अंदर सॉरी हम लोगों ने देखा। ठीक है कालापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में था यह पूछना था आप लोगों से। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, उसका ये किसके साथ में मिलकर ये रिपोर्ट है जिसका टाइटल क्या है पूरा वो बताना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा गोल है जो कि एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था रोड सेफ्टी डिकेड कब, यूनियन जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में बात की गई थी, इसके द्वारा मुशायरा ये बताना था कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा रखा गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर। इंडिया की रैंक जो है यहां पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये फिसल कर कहां पर आ गई है ये आप लोगों को बताना है, और किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है यूरोपियन जो बैंक है उसके यूरोपियन बैंक के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के उसके फॉर्मर जो चीफ है उनको अभी यहां पर जो इटली के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए उनका नाम आप लोगों को बताना है। आइए आंसर के ऊपर नजर डालते हैं, बात की जा रही है थीम क्या है यहाँ पर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है तो ये याद रखना हिमरेजिक सेप्टेसिनिया HS बोला गया था जिसकी वजह से कई सारे हाथी की जान चली गई, कई सारी भैंस भी इसकी वजह से मारी गई थी। ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, ठीक है जो कि कहां पर है ये है उड़ीसा के अंदर में, ये यहां पर कालापत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उड़ीसा के अंदर में। फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो चीफ थे जिनका नाम था मारियो द्रागी, तो सुपर मारियो के नाम से भी इनको जानते हैं, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इटली के। बात करें यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के द्वारा यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है जिसका नाम रखा गया था यहां पर ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी, तो ये याद रखना यहां पर ये बर्डन ऑन द सोसाइटी इन इंडिया के ऊपर बात की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 3.0 तो 3.6, ठीक है तो ये यहां पर ग्लोबल डेथ के बारे में बात करते हैं कि आधी करनी है 2030 तक का, और हमारी कंट्री में कब तक आधी करनी है जो हमारी कंट्री में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बोलती है वो बताइए, तो वो करनी है 2025 तक का। ठीक है याद रखना भूलना मत। डेकेड के बारे में बात करें 2011 से लेकर 2020 तक का यहां पर ये रोड सेफ्टी का यूनाइटेड नेशन के हिसाब से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा मुशायरा रखा गया एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर। 86 रैंक हो गई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, भाई साहब देखो कहां जाकर रुकेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये तैयार किया था। मैंने आप लोगों को दो रिपोर्ट के बारे में बात करी थी अगर आप लोगों को याद हो, दूसरी रिपोर्ट कौन सी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो भी आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन होगा, इसको आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं अपने आप को एक सही लेवल पर डेवलप करना, तो काफी कुछ यहां पर डिस्कस किया जाता है। बाकी पुराना रिवीजन करते रहिए, पॉलिटी की वीड़ियो वगैरह सारी अवेलेबल है आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।